अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। एंड अपोलॉजीज फॉर बीइंग अ लिटिल लेट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन विद लर्न राइट नाउ। और आपके जो क्राइटेरिया है, जो आज का स्केड्यूल था, उसके थोड़ी सी बात करते हैं। CSS 2022 को लेके थोड़ा सा देखेंगे कि प्लान वगैरह किस तरह किया जा सकता है, स्ट्रैटेजीज क्या बनाई जा सकती हैं, किस तरह बेहतर काम किया जा सकता है, एफिकेसी किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं एक बड़े कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन से। और क्वेश्चन वो ये है कि जो अक्सर पूछा जाता है कि सर सब्जेक्ट्स कौन से ऑप्ट करें, क्योंकि द मोमेंट यू डिसाइड कि यस आई एम गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्जाम, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट पॉप्स अप इन योर माइंड इज के किस सब्जेक्ट से आ जाऊँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अपने ऑप्ट करूँ। तो वो जो सब्जेक्ट्स आप का जो बड़ा एक क्राइटेरिया है, और अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मैं रखूं, तो ये मेरा ख्याल है कि एक गलत अप्रोच है। पेपर आपने देने हैं, 3 घंटे जाके आपने लिखना है, सारा काम आपने करना है, सुबह शाम पेपर आपने देने हैं। तो एक गलत डिसीजन, गलत सब्जेक्ट को ऑप्ट करने का, वो आपको थ्रू आउट तंग कर सकता है, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है, आपके मार्क्स में आपको किसी तरह तंग कर सकता है। इसलिए अब जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं वो खुद ऑप्ट करें, खुद देखें कि आपकी आपको क्या सूट कर रहा है, आपका माइंड किस में चल रहा है। तो उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टेड कि आपको ये कुछ स्पेकुलेट किया जाए कि जी ये सब्जेक्ट बड़े स्कोरिंग होंगे और ये होगा। आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि आप किस क्राइटेरिया पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आगे जा रहे हैं। सबसे ये कि पीपल कम हियर विद डिफरेंट एंड डाइवर्स बैकग्राउंड्स, कुछ साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ आर्ट के, कुछ सोशल साइंसेस के, और इस सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स को एट फर्स्ट हैंड नहीं आते होते, तो फिर आप किस तरह उसको देखें कि आप सिलेबस अगर आप देखें तो आपको हर ग्रुप के अंदर 5 से 6 सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस दिए हैं। तो आप एट फर्स्ट हैंड अपने जो 1 या 2 या 3 अगर आपने लेट्स से सब्जेक्ट्स शॉर्टलिस्ट करने हैं वो आप कर लें। तो वंस यू शॉर्टलिस्ट दो सब्जेक्ट्स, 2 से 3 अगर आप कर लें, तो अभी आपने कुछ देखा नहीं है, अभी आपने कुछ इनको पढ़ा नहीं है, सिर्फ आपने नाम देख के शॉर्टलिस्ट कर लिया। लेट्स से मैं, इफ आई एम एन इंजीनियर, तो मैं मुझे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कोई इतना ज्यादा अपील नहीं करेगा, तो मैं उसको नहीं ऑप्ट करूंगा, उसको बिल्कुल ही मैं शॉर्टलिस्ट भी नहीं करूंगा। तो मैंने उससे उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने पीछे बैकग्राउंड था, अगर मैंने लेट्स से कोई बुक्स पढ़ी हुई है, कोई हिस्ट्री में मेरा कभी शौक रहा है या कोई इस तरह की चीज, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली एक ग्रुप से 2 से 3 सब्जेक्ट्स निकाल के शॉर्टलिस्ट कर लिए। उसके बाद आप सिलेबस देखें अच्छे से कि आपके एफएससी ने सिलेबस दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का, तो आप सिलेबस को गौर से पढ़ें, हर टॉपिक को आप देखें कि आपको क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, किस तरह से है। तो उस सिलेबस को देखते हुए आप ये देखें कि उसमें से कौन सी चीज आपको समझ आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, कहीं आपने जिंदगी में कभी कोई वो चीज पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, कोई भी इस तरह की चीज। तो वंस यू डन विद द सिलेबस, आपको एक बड़ा फेयर आइडिया हो जाएगा कि वो जो दो तीन लेट्स से 3 सब्जेक्ट अगर मैंने चूज किए थे, तो उनमें से एक तो मेरा शॉर्टलिस्ट वही हो जाएगा कि जिसका सिलेबस देख के मुझे आइडिया होगा कि यार नहीं ये नहीं, ये बाकी 2 सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत समझ आने वाले हैं, लेकिन ये जो तीसरा मैंने कर लिया तो शॉर्टलिस्ट इसके साथ शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो आपका वही शॉर्टलिस्ट हो गया। नाउ यू आर डाउन टू 2 सब्जेक्ट्स ओनली, देन यू आर सपोज टू लुक थ्रू आउट द पास पेपर्स। पास पेपर्स देखें, पास पेपर्स अगर आपको, और बड़े अच्छे से 3 4 साल 5 साल के पास पेपर्स आप निकाल लें, और फिर आप ये देखें कि जो सिलेबस आपने देखा था उसको क्या ये सूट कर रहे हैं ये पास पेपर्स, इस तरह का पेपर आपको जो आएगा वो सिलेबस पढ़ के, तो क्या आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे, क्या आपकी अप्रोच वहां पे वो हिट द नेल ऑन द हेड वाली वो हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो उससे आपको एक बड़ा फेयर आइडिया हो जाएगा कि यार इन दोनों में से अब मैं कौन सा, अभी आपने पढ़ा कुछ नहीं था, तैयारी कोई स्टार्ट नहीं किया आपने, सिर्फ आपने सिलेबस बड़े अच्छे से पढ़ा और उससे आपको आइडिया हुआ। और इसका एक अगर मैकेनिकल क्राइटेरिया दूं तो पास्ट पेपर देख के अगर आपको ये लगे कि आप इसका 15% तक पेपर कर लेंगे अभी बैठ के, 15% तक, 50 नहीं 15 15, तो यू आर गुड टू गो विद दैट सब्जेक्ट। ये मैंने खुद अपने लिए ये क्राइटेरिया रखा था, बाकी इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, तो मेरा अपना ये था, तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज कर लिया। बाकी आप भी इसको देख लें,
देर आर मल्टीपल अदर स्ट्रैटेजीज की जिससे आप सब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं और सारा। देन कमिंग टू वर्ड्स द CSS 2022, जो कि हमारा एक प्राइम वो था, टॉपिक था कि आज हमने 2022 के हवाले से देखना है कि क्या, सबसे पहले तो टाइमलाइन का हम देख लेते हैं, टाइमलाइन के बाद फिर हम देखेंगे कि एम्बिग्यूटीज क्या। टाइमलाइन में अगर हम देखें तो आज इट्स 4th ऑफ अप्रैल, और अगर हम महीने देखें तो इट इज ऑलमोस्ट अ 10 मंथ स्पैन। 10 महीने में ना आपके दो 10 महीने को अगर आप दो सेक्शंस में मैं डिवाइड करूंगा मेनली कि 10 महीने, अगर लेट्स से इवन इफ इट इज 6 मंथ्स और इफ यू लेफ्ट विद ओनली 4 मंथ्स टू प्रिपेयर, तो आप अपना जनरली जो स्कीम रखें वो यही रखें। तो अब लेट्स से अगर 10 मंथ्स की स्कीम है, उसके दो आपके उसमें होंगे, फेजेस होंगे। पहला फेज होगा आपका तैयारी का, ये इसको आप नॉलेज बेस भी आप स्ट्रेंथन करने को कहेंगे कि जी नॉलेज बेस बना रहा, आप बुक्स पढ़ें अपनी, आप रिसर्च आर्टिकल्स या इंटरनेट कंसल्ट करें, यानी आप अपने उस सब्जेक्ट के लिए, उस जो आपको सिलेबस दिया हुआ है वो सारी चीजें पढ़ें, पढ़ने वाला फेज, थ्योरेटिकल फेज जो है आपका। तो उसके बाद फिर जो सेकेंड फेज होता है वो आपका प्रैक्टिस फेज होता है, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं, पास पेपर्स को सॉल्व करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइदर यू अपीयर इन द मॉक्स ऑफ अकेडमीज, अकेडमीज वगैरह सारे आजकल हैं, आप उनके मॉक एग्जाम्स दे दें, वो एक अच्छा इन्वायरमेंट आपको दे देते हैं। तो ये दो मेनली आपके फेजेस होते हैं। तो अब जैसे अगर आज के दिन से हम स्टार्ट करें तो 10 महीने का आपका ये पूरा का पूरा टाइम तैयारी वाला होगा, टाइम चलेगा। तो उसमें अगर आप थ्योरेटिकल वाला फेज, यानी जो फर्स्ट फेज है उसको देखें, तो आप उसको चलाएं तकरीबन 6.5-7 महीने तक, और कोशिश करें कि मैक्सिमम 7 मंथ्स तक आपकी तैयारी हो जाए पूरी, यानी आपका थ्योरेटिकल फेज वो आपका कंप्लीट हो जाए, कि जिसके अंदर आप अपना नॉलेज बेस डेवलप कर रहे होते हैं। बेसिकली ये आपका फुली फोकस्ड फेज चल रहा होता है। जब आप इवन प्रैक्टिस में भी आ जाते हैं, पढ़ते आप तब भी हैं, कभी रात को आपने कोई थोड़ा बहुत 1-2 घंटे देख लिया, कोई एक्स्ट्रा चीज आपको अच्छा आर्टिकल मिल गया आपने पढ़ लिया, वो चल रहा होता है तब भी, लेकिन जो पूरे स्विंग के साथ आप चलाते हैं उसको वो ये 7 मंथ्स के अंदर। तो वंस यू डन विद दिस 7 मंथ स्पैन, जिसके अंदर आपने पढ़ भी लिया, आपने नोट्स भी बना लिए, आपने बाकी सारी चीजें भी देख ली, फिर आप आ जाते हैं आगे वाले अपने फेज पे, जिसमें आपके 3 से 4 महीने रह जाते हैं। तो उसके अंदर फिर आप ये करें कि आप उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में बैठ के वही सारी चीजें, इतना सारा आपने जो माउंटेनियस और वो जो एक पूरा पढ़ा होगा काम, तो वो बड़ा मुश्किल होता है कि आप सब कुछ एक ही टाइम पे रिवाइज कर लें, या वो आपको याद आ जाए उस टाइम पे, कोई आर्ग्यूमेंट अच्छा पढ़ा होता है। तो उसके लिए फिर ये इंपॉर्टेंट है कि आप वो जो सारा फेज है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस में लेके आए सारा कुछ। तो प्रैक्टिस आप किस तरह कर सकते हैं, दो अगेन मैंने आपको बताया था कि या आप कोई अकेडमी वगैरह, जैसे LRM वगैरह का प्लेटफॉर्म है, आप इनको अपने वो ऑनलाइन पेपर चेक करवा सकते हैं, या दूसरा फिर ये होता है कि आप खुद बैठ के पास पेपर्स निकाल लें, पास पेपर्स निकालें, पास पेपर्स 4-5 साल के होते हैं हर सब्जेक्ट के, आप पास पेपर सॉल्व करें, बेहतरीन काम है। आप उसको सॉल्व करके उतने ही टाइम लगाएं, 3 घंटे के अंदर आप सारा बैठे पढ़ें उसको और लिखें सारा का सारा, पूरी इसी तरह से अटेम्प्ट करें, पेपर लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने लिए, मेक श्योर कि नो वन डिस्टर्ब्स यू इन दोज 3 आवर्स, और उसके बाद वही जो पेपर आपने सॉल्व किया है वो आप किसी इंस्टीट्यूट को, किसी सीनियर को, या कहीं पर भी भेज के चेक करवा लें और फीडबैक ले लें कि ये मैंने ये किया है, तो आप बताएं कि जो एग्जाम क्राइटेरिया है, जो एग्जाम सिनेरियो है CSS का या FPSC का, तो ये उस पर सूट करता है या उसे अप टू द मार्क है या नहीं है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जब पेपर में जाके बैठेंगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। तो ये आपका एक जनरली आपका ये दो फेजेस में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। देन जी मैंने इसको कैसे किया था, बिल्कुल यही मेरा क्राइटेरिया था, मैं कोई भी ऐसी बात, ये सारी वो प्रैक्टिकली मैंने एक्सपेरिमेंट की हुई है, तो इसलिए आई फील अ बिट कॉन्फिडेंट कि मैं आपको ये वाली सारी चीज़ें बता दूँ। अच्छा, मेरा ये था कि 7 मंथ्स का स्पैन था मेरा, तो मैंने 7 मंथ्स के अंदर यही दो फेजेस के अंदर डिवाइड कर लिया था, इट वॉज 5 मंथ्स एंड 2 मंथ्स, तो 2 महीने मैंने प्रैक्टिस की थी, 5 महीने मैंने पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अब ये 10 महीने को मैंने फर्दर डिवाइड भी कर लिया 7 महीने पे, तो 7 महीने में कैसे तैयारी अपनी पूरी करें, वो दो क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर आप यूजली चलते हैं। एक सीनियर्स का बड़ा रिकमेंडेड है और बड़ा वो एफिशिएंट भी है, वो ये कि आप टास्क बेस्ड काम करें, टास्क बेस्ड में कि जी मैंने 7 मंथ्स में अपना ऑब्जेक्टिव रख लिया कि
कि मैंने अपनी जो भी पढ़ने वाला काम है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लेना। अब जब मैंने वो पढ़ने वाला काम कंप्लीट कर लिया, उसको पढ़ने वाला काम कंप्लीट करने का टारगेट रख लिया, तो मुझे फिर ये होगा कि मैंने 12 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, तो मैंने उस 7 मंथ्स के स्पैन को डिवाइड किया ऑन 12, और मेरे पास दिन आ गए कि मैंने कितना, मैं 15 से 20 दिन का लेट से एक वो आ गया मेरे पास कि मैं लेट्स सपोज कि 20 दिन में मैंने एक सब्जेक्ट कवर करना है। तो पहला टारगेट तो मेरा ये आया, मेरे पास जो टाइम कंस्ट्रेंट आई वो ये कि 20 दिन से ऊपर मैंने किसी सब्जेक्ट को नहीं देना। अब मैंने जितनी मेहनत करनी है, जितना दिन रात एक करना है, वो उस 20 दिन में मैंने उस सब्जेक्ट को कवर करना है। फिर ये आ जाता है कि आपका जो 7 मंथ्स का गोल था, आपने उसको डिवाइड कर लिया इंटू मंथली ऑब्जेक्टिव्स। मंथली ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप उसको फर्दर, अब लेट से एक मंथ अप्रैल है, तो एक अप्रैल के महीने में मैंने क्या पढ़ना है वो पूरा मेरा मंथली, एक मेरा पूरा प्लान आ गया मेरे पास। और फिर फर्दर मैंने उसको डिवाइड किया इंटू वीकली टारगेट्स और डेली टारगेट्स, कि इस पूरे महीने वाले जो पूरे महीने का ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए एक वीक में मुझे, ये 4 वीक्स है तो 4 वीक्स में मुझे ये काम डिवाइड करना पड़ेगा, और इस वीक के काम को अचीव करने के लिए मुझे आज के दिन ये सब करना पड़ेगा। उसका फायदा ये होता है कि लेट्स से अगर आपका 2 घंटे में काम हो गया है, एक दिन मैं सुबह लेके बैठा बुक्स, मेरा 2 घंटे में काम हो गया, दैट्स इट, आई क्लोज माई बुक्स एंड आई गो एंड एंजॉय। तो इससे आपको पर्सनल टाइम भी काफी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलती है। मोटिवेशन इस तरह से कि किसी दिन लेट्स से अगर आपका नहीं हुआ काम, आपको 10 घंटे देने पड़ गए, 15 घंटे देने पड़ गए, तो देन आपको देना है वो, आपको टाइम बैठ के सारा काम करना है। तो ये आपका एक पहली चीज, तो ये कि आप टारगेट बेस्ड तैयारी करते हैं, इससे ये होता है कि मोटिवेशन बड़ी रहती है कि आपको पता होता है सुबह उठते ही कि आज मेरा ये टारगेट है, मैंने ये करना है और ये किए बगैर नहीं सोना। तो टारगेट बेस्ड तैयारी में आपका काम जरा टाइम वो कंस्ट्रेंट के साथ साथ चलता जाता है बड़ा अच्छे से। लेकिन सेकंड एक और काम आ जाता है कुछ मेरे जैसों के लिए, वो ये था कि मुझसे टारगेट बेस्ड तैयारी नहीं होती थी क्योंकि आई एम अ स्लो लर्नर। अब स्लो लर्नर, बीइंग अ स्लो लर्नर, मुझे नहीं समझ आता था कि मैं पूरा टारगेट अपना दिन का किस तरह से करूं। तो मैंने उसको फिर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रख लिया था टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड में मैंने उसके फिर फिक्स कर लिए थे कि जी आई विल गिव 7 प्रोडक्टिव आवर्स टू माई स्टडी। नाउ 7 प्रोडक्टिव आवर्स मीन्स के लेट्स से मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए, दरमियान में मुझे कोई कॉल आ गई, मैंने कोई फोन यूज कर लिया, मैं नमाज पढ़ने के लिए उठ गया, खाना खाने के लिए उठ गया, तो वो जो टाइम है जिसमें लेट्स इवन 15 मिनट्स भी, तो आई नॉट काउंट दोज 15 मिनट्स इन द प्रोडक्टिव आवर्स। तो प्रोडक्टिव आवर्स वो है जो मैंने बैठ के पूरी अटेंशन से पढ़ा। हाँ, अगर मैंने कोई आधा घंटा ऐसा दिया कि जिसमें मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि शायद ये मेरा पूरी अटेंशन वाला स्पैन नहीं था, तो आई वोंट काउंट दैट हाफ एन आवर इनटू द प्रोडक्टिव आवर्स टाइम। यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पे आप उसको लें, और फिर उससे ये होगा कि आपका मतलब ये भी आपको फील नहीं होगा कि यार ये आज मैंने टारगेट पूरा नहीं किया या कुछ, तो आपको ये एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि नहीं मैं काम पूरा कर रहा हूँ, टाइम पूरा दे रहा हूँ, बाकी लेट्स सी। तो ये आपका था। बाकी टाइमलाइन आप वही रखें कि 20 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा कर लें, तो आप उसको मिक्स कर लें सारे स्ट्रैटेजीज को, तो आपका एक अच्छा काम बन सकता है। अगेन ये मेरा था क्योंकि स्लो, बीइंग अ स्लो लर्नर, मैंने अपने लिए एडवाइस कर ली थी। फिर आ जाता है, ये आपका कुछ स्ट्रैटेजीज थी। फिर आ जाते हैं जी आपके एक क्राइटेरिया पे, जरा हम देख लें कि क्या बेसिक्स ऑफ CSS एंड इट्स प्रेपरेशन फॉर 2022 एग्जाम। देखिए, सबसे पहले दो चीजें जरूर मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे आपका रिटन सारा का सारा फेज डिफाइन होता है कि आप रिटन में कितना स्कोर करेंगे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है विद द पैसेज ऑफ टाइम के कैंडिडेट्स की जो उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा अपियर हो रहा है, तो FPSC को भी फिर बहुत सारे चेक्स लगाने पड़ते हैं। अब डेफिनेटली अगर वो 2000 कैंडिडेट्स एक साल में पास कर गए रिटन एग्जाम, तो 2000 का इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, उसके ऊपर वही सारा सिनेरियो अप्लाई होता जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2000 कैंडिडेट्स, अगर लेट्स से एक जगह 2000 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो रहा है और एक जगह 376, 370, 380 का हो रहा है, तो अटेंशन भी आपकी डिवाइड हो ही जाती है उसमें, तो बहुत ज़्यादा अटेंशन दे के आप कैंडिडेट को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। तो उनका भी फिर है कि कम कैंडिडेट्स को, जितने कम होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा उनकी हायरिंग होगी। तो फिर ये है कि आपके, ये भी एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है और ये रियलिटी भी है कि सब्जेक्ट्स हिट होते हैं।
टारगेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। अब वो किसी को भी नहीं पता कि इस साल कौन सा सब्जेक्ट टारगेट हो जाएगा, कौन हो, वो स्पेकुलेशंस होती है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग वो यही कर रहे होते हैं कि 20 साल ये सब्जेक्ट टारगेट हो जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता होता है, वो बस यही है कि ऑन द बेस ऑफ द प्रीवियस ट्रेंड और वो सारा, तो वो बस एक एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि इस साल ये सब्जेक्ट थोड़ा सा लाइमलाइट में है, या कुछ इस तरह के मसाइल इसके साथ हो सकते हैं। अब उसके साथ बेहतर किस तरह किया जा सकता है मामला, वो बेहतर इस तरह किया जा सकता है कि आप सब्जेक्ट एक तो चूज करें वो कि जिसमें आपका कोई बैकग्राउंड है। लेट्स से अगर आपको इंजीनियर है, आपको इन्वायरमेंटल साइंस का कोई बैकग्राउंड है, तो आप जरूर करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर लेट्स से कोई सब्जेक्ट टारगेट होगा तो पहली चीज क्या होगी, आपके लिए पेपर मुश्किल बनेगा, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा, वो थोड़ा सा आपको हिला हिलू के क्वेश्चन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका पीछे बैकग्राउंड अच्छा होगा, उसमें आपने पढ़ा अच्छा होगा, आपको उस सब्जेक्ट की अच्छी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप कहीं भी नहीं, आपका ग्राउंड हिलेगा ना, आपकी बेस स्ट्रांग रहेगी। तो पहली चीज तो ये कि सब्जेक्ट वो उठाएंगे जो आपके नॉलेज पीछे कहीं ना कहीं मैच कर रहा हो, इन लाइन हो उसके साथ। दूसरा फिर ये हो जाता है कि थोड़ा सा आप ये भी देख लें कि मेहनत उसमें ज्यादा करें, कि मेन स्ट्रीम बुक्स जो है, की बुक्स और इस तरह की चीजें जरा वो अवॉइड करें, अच्छे ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, वो आपको ज्यादा स्कोरिंग आपके लिए होता है इनके। तो 2022 के लिए फिर ये मैंने आपको बताया कि अभी तो एक तो रिटर्न और अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा फोकस रखना है प्रैक्टिस में, क्योंकि मैंने मेजोरिटी, पहले मुझे शायद इस चीज का आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में बड़े अच्छे से मुझे आइडिया हुआ कि आप जब जनरल एग्जाम्स थोड़े बहुत बच्चों के देखे, इधर उधर उनको गाइड किया, तो ये ज्यादा इशू आता है कि प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती, पता होता है चीजों का लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती, जिसकी वजह से। लेकिन पेपर में तो आपने लिख के आना ना, रिटन एग्जाम है, राइट, यू हैव टू राइट इट, तो रिटन के लिए आपको रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर आ जाता है कि जी जवाद आसिफ एंड सीएसएस जर्नी, आप वो कोई भी इस तरह का वो नहीं है, बस उसमें से आपको मैं थोड़ी इनटेक्स जरूर दे दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद हो। मैं अपनी कहानी यहाँ पे लेके बैठा हूँ, बेहतर नहीं है। उसमें ये है कि हाँ, एक अच्छी चीज जो मैं आपको, जो मैं चाहूंगा कि आप ये देखो, कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब एंड केम बैक, मुझे मेरे पास 7 महीने थे उस टाइम, 7 मंथ्स। अब 7 मंथ्स में मैंने फिर वही फर्दर उसको डिवाइड किया 5 महीने में और 2 महीने, 5 महीने में कोई इतना तो सुपर ह्यूमन नहीं होता ना कि वो सारा कुछ ही पढ़ ले। तो उसमें फिर ये है कि आप अपना ना प्रैग्मेटिकली चले, उसमें ये देखें कि आपको मार्जिन का आप कहाँ पे मिलेगा, और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो रेड जोन में आते हैं। रेड जोन में आपके ज्यादातर सब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं वो इंग्लिश एसए का, इंग्लिश प्रेसी का और इस्लामियात का, ये आपके आ गए, प्लस फिर आपके कुछ ऑप्शनल्स। तो आपने इनको तो साइड पे कर दिया कि इनके ऊपर मेरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, कि इनको मैंने पूरा का पूरा बड़े अच्छे से सारा कुछ तैयार करना है, यानी मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम लाइन मैंने इन सब्जेक्ट को पूरा का पूरा टाइम देना, बाकी मैं बाद में देखूंगा, लेकिन इनको पूरा का पूरा टाइम देके सेफ जोन में मैं ले आया। अब आ जाता है कि जो पीछे फिर टाइम भी कम बचेगा तो उसको मैनेज कैसे करना है, तो मैंने उसको ये देखा कि यार जो एक ऐसा मुझे डोमेन मिल रही है कि जहां पे मैं अपना टाइम बचा सकता हूँ, वो है पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और जनरल साइंस एबिलिटी। उसमें ये, अब ऑफ कोर्स इफ यू आर फ्रॉम पंजाब तो आपको स्कोर भी अच्छा करना है एलोकेशन के लिए, स्कोर नहीं अच्छा होगा तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाता है। तो लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पास करें पहले। तो पास करने के लिए फिर ये अच्छा, उसमें ये था फायदा कि इन तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो कंबाइंड आता, यानी पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और इस्लाम, उसमें जनरल सेंसिबिलिटी में यू हैव टू स्कोर 120 मार्क्स इन टोटल। तो 120 नंबर के लिए आप, इसका मतलब है कि आपके कोई से दो सब्जेक्ट भी अगर अच्छे हो जाएं तो आप 120 स्कोर कर जाएंगे इन तीनों में। तो बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, बीइंग एन इंजीनियर, मुझे ये था कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाला एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो साइंस भी मुझे दे रहा है, जिसमें एबिलिटी के अम्ब्रेला में मुझे मैथ्स का पोर्शन भी मिल रहा है, तो मैं वहां पे वो मेरा एक सेफ ग्राउंड है। तो माय टारगेट वाज टू स्कोर मैक्सिमम इन दैट सब्जेक्ट, और पाकिस्तान और करंट अफेयर में से मैंने कोई एक सब्जेक्ट, मैंने सोचा कि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा उठाता हूँ कि जिसकी अच्छी तैयारी करनी है, और तीसरा सब्जेक्ट जो है वो मैं पीछे ले जाता हूँ कि मेरा टाइम भी बच जाएगा और यहाँ से मेरा जरा ग्राउंड भी सेफ हो जाएगा। तो मैंने उसमें से पाकिस्तान अफेयर का सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो करंट अफेयर को मैं थोड़ा सा पीछे ले गया।
पेपर में फायदा ये हुआ कि एक तो ये कि मैं पहले ऑलरेडी इसमें सेफ जोन में आ गया, मेरे जेनेसाइज एबिलिटी और वो जो टारगेट मैंने सोचा हुआ था कि इन दोनों में मैं इतना स्कोर कर लूँ कि मैं पास हो जाऊँ तीनों में। पास होने के बाद फिर आपकी मार्क्स स्कोरिंग की गेम आ जाती है ना, तो टाइम अपने कंस्ट्रेंट को देखते हुए मैंने ये थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चला। आप भी इस तरह से देख लो, इन केस कोई इस तरह का आपके पास सिनेरियो आ जाए कि टाइम ना बचे, टाइम का कम आपको तंग करे आपको, तो इंस्टेड कि अगर आप ये सोचो कि यार मैं एक साल और ले लेता हूँ, जरूर लें। अगर आपको ये फील होता है कि आप एक साल आपको ज्यादा चाहिए तो जरूर लें टाइम, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि पहले आप ये देख लें कि क्या इस साल में किसी भी तरह से मैं अपनी तैयारी को कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो वो हो जाता है किसी ना किसी तरह। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि आप ये कि वंस क्या अभी बात कर रहे थे ये, हाँ करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स फिर वैसे रह गया, लेकिन उसका ये फायदा हुआ कि मैंने इंग्लिश ऐसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई थी, तो ऐसे के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने वो सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर के सारे टॉपिक्स मैंने उन पे ऐसे लिख लिए थे। तो आप एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा ओवरलैप करवा के दूसरे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस में भी लेके आ सकते हो, यानी करंट अफेयर का अगर आप कोई टॉपिक है, कुछ जनरल टॉपिक कुछ तो स्पेसिफिक होता है ना, जैसे आपका करंट अफेयर्स के अंदर कोई भी आपका एनएफसी या कोई अफगान पीस प्रोसेस या कोई भी इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, उन पे ऐसे तो डेफिनेटली नहीं लिखा जाता, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे ऐसे भी बन सकता है, तो आप उस पे ऐसे लिख लो, आपकी ऐसे इंग्लिश ऐसे की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, करंट अफेयर की भी आपके साथ साथ तैयारी हो जाएगी, तो आप स्मार्टली अपनी चीजों को प्ले करके अपने लिए टाइम बचा सकते हैं। आप ये 10 महीने भी, ये जिस तरह का हो चुका है भाई इसका सिनेरियो एग्जाम का, तो 10 महीने भी काफी नहीं होते, और 10 महीनों को फिर फर्दर अगर आप वो जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस के लिए अगर आप 3 महीने अलग कर दें, तो 7 महीने में एक इतनी अच्छी तैयारी करना जरा मुश्किल हो जाता है। कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई हैव बीन थ्रू दैट फेज। तो उसके लिए फिर ये है कि आप स्मार्टली काम करके इसी तरह से ओवरलैपिंग डोमेन्स को एक साथ कर लें, उनको टारगेट कर लें, तो इस तरह करके आप अपना काम चला सकते हैं। फिर आ जाते हैं एलआरएम पे, एलआरएम की कस्टमाइज स्ट्रेटजीज और वो CSS 2022 के लिए उनका जो प्लान चल रहा है वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि आप ये देखें कि एलआरएम एक, मेरा ख्याल है कि जो चेंजिंग टाइम्स है उसके लिहाज से एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं अगर मेरे टाइम पे तो ये नहीं अवेलेबल था, लेकिन आप अगर आज देखो इसके पेंडेमिक सिचुएशन, उसमें फिर फोर्सफुली कैंडिडेट्स को घर रह के पढ़ना पड़ रहा है, आपकी वो जो फिजिकल लर्निंग है वो नहीं हो पा रही, उसके अंदर फिर ये है कि आपको रिकॉर्डेड चीज़ें एक बड़े ज़बरदस्त कस्टमाइज्ड वो सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं, तो आप सीधी सीधी आपको एक्सेस मिलती है आप आराम से अपने लेक्चर्स आपकी एक्सेस में आ जाते हैं, आप लेक्चर सुनते हैं सारे, यही सारा जो मैकेनिज्म है। अच्छा, पहले इसको पूरा करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, और लेक्चर्स जब आप सारा देख लेते हैं, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपको काम अपना रिटर्न चेक करवाना हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो वो वीकली फिर इनके जूम सेशंस होते हैं विद द टीचर्स, जो भी इनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स मोस्टली CSPs हैं, जैसे मियाँ अली रजा साहब हैं, वो पंजाबी बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, इसी तरह से अब्दुल्ला इमरान चीमा, एतजाज आरिफ थे क्रिमिनोलॉजी के, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे थे, तो ये आप इनके साथ फिर आपके वीकली सेशन हो जाते हैं कि आप वो बता देते हैं कि अगर ये कन्फ्यूजन आ रही है, सर मेरी ये आ रही है, तो वो आपको फिर अगर फर्दर गाइड कर देते हैं। ये जो मैकेनिज्म है ये बड़ा, पाकिस्तान से अगर हम निकल के देखें तो यूरोपियन वर्ल्ड में या वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है, और ये आज का नहीं है, पहले कई सालों से ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिसमें एग्जाम्पल मैं दूंगा MIT के कोर्सेज की, MIT के डिफरेंट कोर्सेज आते हैं, इसी तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं, आप उनको आपको एक्सेस मिलती है, आप उनकी एग्जाम देते हैं और आपको घर पे सर्टिफिकेट आ जाता है पाकिस्तान में रहते हैं, तो अगर वो मतलब आपको एक अप टू द मार्क और लेटेस्ट आपको एक सिस्टम मिल रहा है जिसके थ्रू आप अपना चल सकते हैं। एक सबसे ज्यादा ऑनलाइन लर्निंग की, ई लर्निंग की जो मैंने सक्सेसफुल इसका ये देखा, वो ये कि पाकिस्तान में कैंडिडेट्स को ट्रैवल करना पड़ता था टू लाहौर, कराची या इस्लामाबाद CSS प्रिपरेशन के लिए, और अभी भी बहुत सारे करते हैं हॉस्टल्स, लाइब्रेरीज, यहाँ पे ना जितनी लाइब्रेरीज हैं उनके आसपास जितने हॉस्टल्स हैं वो सारे हो CSS कैंडिडेट्स हो, पर्टिकुलरली बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध, KP के नॉर्दर्न एरियाज हैं, उन लोगों को काफ़ी मुश्किल करनी पड़ती है, फाइनेंशियल बर्डन भी होता है कि आप घर से आ रहे हैं, रिसोर्सेज आपके लग रहे हैं, जॉब आप अभी नहीं कर रहे हैं, आपको घर से पैसे मंगवाने पड़े, रहना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, बुक्स का, पढ़ाई का खर्चा है ना, एंड एवरी
अदर पेटी लिटिल थिंग्स, तो वो आपको काफी कॉस्टली हो जाता है। लेकिन इसके थ्रू फिर फायदा ये कि आपको एक तो घर बैठे एक ही क्लिक पे आपके सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, आपको सारा का सारा वही सारे टीचर्स आपको मिल जाते हैं, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको वीक एक हफ्ते बाद या जो भी टाइमलाइन होती है उसके बाद आपको उनके साथ मीटिंग भी मिल जाती है, तो आप आराम से तैयारी भी कर लेते हैं। तो ये LRM का था। और क्वेश्चन आंसर सेशंस पे आ जाते हैं फिर उसके बाद, आपको इनके जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर भी आ जाते हैं कि आपकी जो क्यूरीज हैं, जो कंफ्यूजन हैं, वो आप कमेंट्स में डालते जाएं, तो वो फिर मैं आपको जितना भी हो सका मैं गाइड करता जाऊंगा अपने नॉलेज के अंदर। MBBS कर रहा हूँ तो CSS कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे साथ बड़े बड़े काबिल डॉक्टर्स भी आए हैं, जैसे डॉक्टर रिजा है, शी स्कोर फोर्थ पोजिशन, डॉक्टर सारा बतूल है, और फिर डॉक्टर मेहताब धरल है, तो डॉक्टर्स आते हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि आप ये देखें कि डिफरेंस कहाँ पे आता है आपका MBBS का और इसमें CSS के। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं आपको ज़्यादा बेहतर वो यही गाइड कर सकता हूँ, डॉक्टर ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे मुझसे। लेकिन जो मेरी अकल में थोड़ी सी बात आती है वो ये कि आप इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का अक्सर हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा वीक होता है, तो आप हिस्ट्री वाले पोर्शन को आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ रखें, उसको पढ़ते रहें साथ साथ थोड़ा बहुत, और जहाँ पे जब व्हेन इट कम्स टू CSS तो फिर आप उसको प्रॉपर फॉर्मलाइज कर लें अपनी तैयारी को पूरा, इसको डायरेक्शन दे दें ताकि बेस बनी हो आपकी, क्योंकि CSS में यूजुअली हिस्ट्री में ज़्यादा तंग होते हैं लोग। हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं कि US हिस्ट्री या कोई इस तरह की वो जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है, नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री या सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, क्योंकि ये इधर काम नहीं आती, तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं काम आ जाती है, तो ये आप थोड़ा सा देख के इसको चला सकते हैं। बाकी अगर MBBS है तो मैथ्स का पोर्शन आपका थोड़ा सा वो अक्सर क्वेश्चनेबल होता है, तो वो आप मैथ्स के पोर्शन को कर लें। बाकी आपकी जो स्ट्रांग एरियाज हैं वो आपका मेडिकल साइड है, और आपके स्टेमिना डॉक्टर्स का अक्सर ज्यादा होता है, टाइम स्पेंड ज्यादा लगा सकते हैं। व्हाट अबाउट इन इंग्लिश एसे स्ट्रक्चर? इंग्लिश एसे के स्ट्रक्चर में देखें दो तीन चीजें मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज तो करती है कि आपकी आउटलाइन की क्लैरिटी क्या है, कि आपने जो आउटलाइन बनाई है, आपने जो भी आपने सब्जेक्ट टॉपिक चूज किया, जो उसकी आपने आउटलाइन डिवाइस किया, वो कितनी क्लियर है। क्लियर से मुराद राइटिंग अच्छी नहीं, लेकिन आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट वो पूरी तरह से रिफ्लेक्शन आ रही है या नहीं आ रही। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन कैची है या नहीं है। अब इंट्रोडक्शन कैची किस तरह होता है, पहली चीज तो ये कि देखो कैची बनाने के लिए ना हम उसको समझते हैं कि इसमें बड़े मुश्किल फ्लावरी वर्ड्स ऐड करेंगे तो ये ज्यादा कैची हो जाएगा। डेफिनेटली अच्छी इंग्लिश लिखी होगी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आपकी आउटलाइन उसमें पूरी रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। यानी इट स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट और विद द टॉपिक एंड यू कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट, यू एक्सपैंड इट अप टू एन आउटलाइन, एंड आफ्टर एन आउटलाइन आप उसको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन में उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं। इंट्रोडक्शन अच्छा है तो फिर आपकी बॉडी में चला जाता है, बॉडी पैरा जो पैराग्राफ्स होते हैं, सिमेट्री है या नहीं है, आपका सारा का सारा ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है कहीं, तो ग्रामेटिकल एरर्स तो खैर वो साइन को नॉन है कि वो उसमें वो तो होने ही नहीं चाहिए ना। तो ये आपकी ब्रॉडली अगर मैं आपको आंसर करूँ, बाकी नीटीज एंड ग्रिटीज बहुत ज्यादा सारी हैं, तो आपको इंग्लिश ऐसे के टीचर इसमें ज्यादा अच्छा गाइड कर देंगे, लेकिन ये कुछ मेन जो है इतने टाइम के लाइन में वो आपको ये आंसर हो सकता है। तो ऐसे के लिए ये ज्यादा चीजें जरूरी है। और फिर आ जाता है जी नोट्स मेकिंग इज अ लेंथी प्रोसेस, डिस्कस अबाउट इट। नोट्स मेकिंग में ना दो तरह के नोट्स आ जाते हैं, एक तो ये कि आप या तो लेंथी नोट्स बना लो, लेंथी नोट्स में आप डिटेल्ड पूरे के पूरे पैराग्राफ्स और पूरे के पूरे टॉपिक्स लिखो, ये जरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसको भी फिर आप ये कर सकते हो कि कुछ हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो आपको लगता है कि यार ये तो मुझे पहले से ही आता है, तो वो आप उनको थोड़ा सा पीछे कर लो, लेकिन जो नहीं आते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये थोड़े मुश्किल थे या इनमें थोड़ा काम खराब है, उनको आप एक दफा ना जरा अच्छे लेंथी नोट्स बना लो। लेंथी नोट्स में फिर ये है कि देखो एक उसका फायदा ये कि पूरा का पूरा टॉपिक आपका एक आ गया, लेकिन उसका छोटा सा नुकसान ये है कि आपके वो बहुत लेंथी नोट्स हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे तो फिर आपको पूरा का पूरा दोबारा गो थ्रू करना पड़ेगा, ये थोड़ा तंग हो सकते हो आप। हाँ, दूसरा एक फायदा ये, एक दूसरा जो फॉर्म होती है नोट्स मेकिंग की, वो ये होती है कि आप पॉइंटर फॉर्म में बना लो। पॉइंटर फॉर्म में इस तरह से कि आपने स्टार्ट किया जी कि मैंने इस तरह से बनाए थे कि आप इंट्रोडक्शन पूरा लिखो,
क्योंकि आपने पेपर में इंट्रोडक्शन तो हर टॉपिक का लिखना है, तो इंट्रो की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन के बाद आप पॉइंटर्स बना लो, पॉइंटर्स बना लो। उसमें पॉइंटर्स का फायदा ये होगा आपको हेडिंग्स अच्छी देने आ जाएंगी। फिर प्लस पॉइंटर्स में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पॉइंटर्स लिख लिया, आप एक एक डेढ़ डेढ़ या दो दो लाइंस उसके बारे में लिख लो इन्फॉर्मेशन। कि जैसे अगर आप एक आर्गुमेंट दे रहे हो, उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन भी दोगे, कोई केस स्टडी भी दोगे, कोई एग्जाम्पल भी दोगे। तो जो केस स्टडी या कोई एग्जाम्पल या कोई भी इस तरह की चीज जो आपके माइंड में तब आ रही है बैठ जब आप नोट बना रहे हो, या उस टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो या आपने बुक से पढ़े, तो आप वो साथ उसके लिख लो। कि आपको पेपर में कभी या जब भी आप रिवाइज करो, आपको पता हो कि यार इसके साथ मैंने इस स्टांस को मैंने इस आर्ग्यूमेंट के साथ अपने प्रूव करने के लिए सोच तब मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, तो अब यही जब मैं आगे पेपर में करना पड़े तो मैं ये कर सकता हूँ इसीलिए। तो ये आपके नोट्स मेकिंग का वो सारा आ गया सारा, कि आप किस तरह से उसको देखते हैं। बाकी देखिए, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच। अब मुझे ये था कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर कि मुझे पॉइंटर फॉर्म सूट नहीं किए, तो मैंने उसके अंदर लेंथी नोट्स बना लिए। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर मुझे था कि नहीं, पॉइंटर्स भी इजीली चल जाएंगे, कोई मसला नहीं, तो मैंने पॉइंटर्स बना लिए। तो अपनी फिजिबिलिटी देखनी है आपने कि कौन सा सब्जेक्ट आपको इतना अच्छा, आपकी आपकी कमांड इतनी अच्छी है कि आप उसमें पॉइंटर फॉर्म में भी चला लोगे, और कौन सा सब्जेक्ट इतना आपको तंग कर रहा है कि आपको लेंथी नोट की जरूरत है। तो ये कोई ऐसा नहीं हो गया कि पत्थर पे लकीर नहीं है, कि आपने अगर लेट से मैंने कह दिया कि जी नहीं आप लेंथी बनाए, तो आपने हर सब्जेक्ट के लेंथी ही बना लें। ये सारी आपकी आसानी के लिए है सारी चीज। तो आपको जहां पर जो सब्जेक्ट आपको लगे कि आपको इसके लेंथी नोट्स रिक्वायर्ड है, तो आप उसके लेंथी ही बनाए। रिस्क कम ही लें, रिस्क ना लें इतना। फिर आ जाता है हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैसे चूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में गाइड कर दिया था, वो आप देख लीजिएगा। रिकमेंड अ ग्रुप फॉर बुक फॉर ग्रामर पोर्शन, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश और हाफिज करीम दाचुगतई। देखें, बुक आप कोई भी ले लें, ग्रामर तो ग्रामर ही है ना, तो आपको दोनों में ही अच्छा, रेंडन मार्टिन वाली है इसमें भी, अगर हाफिज करीम दाचुगतई वाली बुक में भी, सब में अच्छा लिखा है। लेकिन ग्रामर मेरे ख्याल एक ऐसा पोर्शन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है कि जो बुक से करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको ना कोई इंस्ट्रक्टर होना जरूरी है। वो आपको देखिए, ग्रामर पढ़ लेना एक डिफरेंट चीज है, ग्रामर को अप्लाई करके इंग्लिश अपनी सीधी कर लेना वो एक अलग चीज है। तो वो उसकी इंस्ट्रक्टर जरा उसको आपको ज्यादा टाइम भी बच जाता है आपका, वो आपका टाइम आपको बचाएगा और प्लस आपकी डायरेक्शन बेहतर कर देगा। मैंने मुझे ग्रामर मैंने वो ये वाली मैं इंग्लिश के भी दो है कि आप एक तो ये कि वो सीधा सीधा बुक से सीख लेते हैं, या आप ग्रामर वाले मैकेनिज्म से सीखते हैं। तो ग्रामर वाले मैकेनिज्म से मैंने ये नहीं सीखी थी, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन मेरी एक है, क्योंकि ग्रामर बचपन वगैरह में पढ़ी होती है सबने। तो ये आपको इंस्ट्रक्टर, मेरा ख्याल है, मेरी ओपिनियन है, अगेन ये कोई वो नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है ग्रामर के पोर्शन में। बुक आप कोई भी यूज कर ले, ग्रामर के रूल्स तो वही होंगे। क्वेश्चन, आई हैड सेकंड डिवीजन इन इंटरमीडिएट जस्ट 58%, वुड दिस परसेंटेज इफेक्ट माय इंटरव्यू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका इंटरमीडिएट और मैट्रिक या डिग्री के जो मार्क्स हैं या CGPA, वो मैटर नहीं करते। आपके CSS के रिटन के मार्क्स जरूर मैटर करते हैं, तो वो बस उनको देखेंगे, इसमें नहीं आता। आर्मी में जिस तरह से होता है कि वो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स मैटर कर रहे होते हैं, फिर उसका कुछ पोर्शन वो आपके मैट्रिकुलेशन के मार्क्स का भी होता है, तो इधर ऐसा नहीं है। आपकी कंप्लीटली रिटन के इंग्लिश, ये जो CSS रिटन एग्जाम है, उसके मार्क्स मैटर करेंगे। काइंडली टेल हाउ मेनी बुक्स डू वी हैव टू रीड फॉर ईच सब्जेक्ट प्रिपरेशन? देखो, ये अगेन बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज है, लेकिन मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो किसी सब्जेक्ट को। समटाइम्स ले मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने क्रिमिनोलॉजी की तैयारी की, तो मुझे क्रिमिनोलॉजी में आई वेंट थ्रू 8 और 9 बुक्स, 8 से 9 किताबें। ये मैं वैसे ही आपको वो शोखी मारने के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह माफ करे, लेकिन 8 से 9 बुक्स पढ़नी पड़ी मुझे, और अच्छी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़नी पड़ी। लेकिन अगर आप अगर मैं जब मैंने इन्वायरमेंटल साइंस की तैयारी की, तो उसमें हार्डली मेरी
एक बुक से मेरी काम हो गया था, वो बॉटकिन केलर की बुक थी इन्वायरमेंटल साइंस की, तो वो मेरे सारी उस मेरी बुक हो गई, और बाकी जो पॉलिटिकल पोर्शन था वो मैंने इंटरनेट से देखा था सारा। तो ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट की डिमांड क्या है और आपकी कहाँ पे सेटिस्फेक्शन आ रही है, कि जहां अगर लेट से आप एक बुक पे भी सेटिस्फाई हो गए कि यार अब मैंने ये एक बुक पढ़ ली है और मेरा ख्याल है कि रिटर्न मैं कर लूंगा, अच्छा पास पेपर देखिए आपने, आपको लगा कि आप इसको अच्छा क्वालिटी एग्जाम कर सकते क्वालिटी, तो फिर देन यू आर गुड टू गो। लेकिन अगेन एक बुक जरा सा वो क्वेश्चनेबल हो जाता है, आप उसको बेहतर है कि आप एटलीस्ट 3 से 4 बुक्स अच्छे सोर्सेज कंसल्ट करें, और स्पेशली जो सिनेरियो आ गया हुआ है अब सीएसएस का और इतना कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, तो अब बुक्स आपको ज्यादा ही पढ़नी चाहिए, और पहले भी बुक्स ज्यादा ही पढ़नी चाहिए थी, लेकिन अब तो खैर और ज्यादा आपको एटलीस्ट 4 से 5 बुक्स जरूर पढ़ें, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट जो है ना वो जो सिलेबस अगर आप देखें तो इट इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू एमएस या एमफिल, अगर आप सोशल साइंस में एमफिल के इक्विवेलेंट है, तो एमफिल के लिए आप ये देखो कि एमफिल की डिग्री 2 साल की होती है, और उसके अंदर 4 सेमेस्टर्स आपको करना पड़ते हैं, हर सेमेस्टर के अंदर डिफरेंट वो होते हैं सब्जेक्ट्स फर्दर होते हैं, बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं कितनी सारी। तो अगर आप एमफिल कर रहे हो एक इसमें सब्जेक्ट के लिए, तो सिर्फ एक बुक से तो एमफिल नहीं होता ना, आपको पढ़ना पड़ता है, तो एटलीस्ट 4 से 5 बुक्स जरूर पढ़ो, आपका आपकी सब्जेक्ट में कमांड है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप 4 से 5 बुक्स पढ़ लोगे, आपको पता होगा कि मैं पढ़ के आया हूँ या आई हूँ, अब मेरे सामने पेपर आ जाए मैं आई विल बी एबल टू मैनेज इट, तो 4 से 5 बुक्स आपकी दे डू गुड फॉर यू। सम टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू मेमोराइज द मटेरियल एंड स्ट्रेटजी फॉर नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी कि 2 तरह की नोट्स मेकिंग होती है, आप ये देख लो, और मेमोराइज करने के लिए देखो हर चीज को, हर डिफरेंट चीजों का मेमोराइजेशन के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे इंग्लिश की लेट्स से वोकैब की अगर बात करें कोई उस तरह की चीज, तो मैंने उसके लिए ये किया था कि वोकैब के जो वर्ड्स मैं पढ़ता था दिन के 10 मैंने रखे हुए थे, कि 10 वर्ड पढ़ना मैंने रोज है, वोकैब इंग्लिश जो प्रेसी है, एक दिन मैंने प्रेसी कर लेनी है, एक दिन मैंने कॉम्प्रिहेंशन कर लेना है, एक दिन इडियम्स देख लेने हैं, एक दिन इस तरह से करके, तो मैंने इंग्लिश का रोज का रखा हुआ था अपना, और 10 वर्ड्स रोज करने, तो 10 वर्ड जब मैं करूंगा मैं पहले देखूंगा कि वो वर्ड का मीनिंग क्या है, वो सेंटेंस में किस तरह चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आप उसको अपनी इंग्लिश में इंकॉर्पोरेट करें या नहीं करें, तो उसको सेंटेंस में किस तरह यूज करना है, तो वंस आई एम डन विद इट मैंने वो पेज जिस पे प्रैक्टिस की है वो मैं आई विल पेस्ट इट ऑन माय वॉल, दीवार पे लगा लूंगा, और रोज जब मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा तो मैं एक दफा पढ़ने से पहले सिर्फ उसको जो बाकी पेजेस होंगे और अलॉन्ग विद दैट न्यू पेज मैं उसको सिर्फ एक नजर मार लूंगा कि यार ये था, ठीक है ये मुझे भूल गया है, ये अभी तक याद है, बस इस तरह करके तो आपकी ये आहिस्ता आहिस्ता मेमोराइजेशन हो जाती है। बाकी आ जाता है बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स पे, जैसे कह लो कि इस्लामियात है लेट्स से, या पाकिस्तान अफेयर है, तो उसके लिए देखो रिवीजन बड़ी जरूरी है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। सबसे पहली चीज तो ये कि हर चीज को तो रट्टा नहीं मारा जा सकता और ना मारना चाहिए, कुछ चीजें होती हैं उनको रट्टा मारना पड़ता है, जैसे कि डेट्स है, जैसे कि कुछ प्रोसेसेस हैं, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना, वो यू हैव टू मेमोराइज देम, तो उसके लिए फिर ये है कि लिख के, मैं तो ये करता था कि मैं लिख के उसको तैयार कर ले, लिखते हैं तो वो एक लर्निंग का फेज है, मोड है, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से मेमोराइज हो जाता है। फिर उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको रिवाइज कितना करते हो, जितना रिवाइज करोगे वो उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होता जाएगा, तो यू नॉट सपोज टू मेमोराइज एवरी थिंग, लेकिन द थिंग्स दैट यू यू आर सपोज टू मेमोराइज उसके लिए जरूरी है कि राइट देम एंड कीप रिवाइजिंग देम। इज इट बेटर टू रीड फॉरन ऑथर्स और लोकल ऑथर्स? देखो बेहतर तो ये है फॉरन ऑथर्स पढ़ो, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, लेकिन लोकल ऑथर्स भी बड़े बड़े अच्छे हैं आपके, जैसे मैडम लिया लोधी है, मैडम आयशा जलाल है, तो इस तरह से बिलाल जहूर साहब अच्छा लिखते हैं, तो ये जो लोकल ऑथर्स, पाकिस्तान अफेयर है जैसे, तो पाकिस्तान अफेयर की बहुत सारी चीजें आपको लोकल ऑथर्स से ही मिलेंगी, तो प्रेफरेबली फॉरन ऑथर्स, लेकिन इन केस अगर आपके सब्जेक्ट जैसे पाकिस्तान अफेयर है तो उसमें फिर लोकल ऑथर लेकिन अच्छे वाले। फिर हाउ टू प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस ऐसे लिख के प्रैक्टिस होती है ऐसे की, तो और तो प्रैक्टिस तो नहीं हो सकती, थोड़ा सा क्वेश्चन वो पूछ लो एक्सप्लेन करके तो मैं आपको बता दूंगा,
इज इट नेसेसरी फ्रॉम टू रिजाइन फ्रॉम जॉब और जस्ट अ मिथ फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन सर? नहीं, इट इज सर्टनली नॉट नेसेसरी टू रिजाइन फ्रॉम जॉब एंड पर्टिकुलरली कीपिंग इन व्यू द करेंट सिनेरियो, द इकोनॉमिक कंडीशंस, द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन योर कंट्री. आई वोंट रिकमेंड यू रिजाइनिंग फ्रॉम योर जॉब. ये मैंने तो किया लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप भी करो. मुझे तो इश्यू था कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था प्रॉपर. मैं कोशिश कर की थी, ऐसा नहीं था. देखो हर कोई अपने लिए बेहतर डिसीजन लेता है, बेवकूफी वाला डिसीजन तो कोई भी नहीं लेता ना. तो मैंने कोशिश की थी पूरी कि मैं पढ़ सकूं लेकिन मुझे नहीं टाइम दिया गया. आई यूज टू वर्क इन शिफ्ट, तो अब शिफ्ट में मैं 2 दिन मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा हूँ, 2 दिन इवनिंग, 2 दिन नाइट कर रहा हूँ. तो मेरे एक तो रूटीन ही नहीं बनेगी, तो पढ़ूंगा कैसे. तो मैंने कोशिश पूरी की थी लेकिन मुझे नहीं पढ़ा गया. जब मेरी बस होगी तो फिर मैंने रिजाइन दिया. तो इसलिए आप अपनी रूटीन बनाओ, डोंट रिजाइन फ्रॉम योर जॉब अनलेस आपको लगे कि यार अब बस होगी, अब नहीं हो सकता. फिर दोबारा सोचो कि मतलब आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशंस, आपकी फैमिली कंडीशंस अलाउ करती हैं आपको कि आप जॉब रिजाइन करो. मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा. बाकी आपकी कंप्लीटली, इट इज योर लाइफ एंड योर चॉइस. सर आई हैड सेकंड डिवीजन इन इंटर एंड मेंशन बिफोर आई मेंट टू आस्क व्हाट इज द परसेंटेज. ये मैंने आपको आंसर, मेरे ख्याल आपका ही क्वेश्चन था, मैंने आंसर कर दिया आपको. लेक्चर्स आर डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ डे इन एकेडमी व्हाइल मोस्ट पीपल सजेस्ट टू पिक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम. सो व्हिच स्ट्रेटजी शुड आई फॉलो इन नोट्स मेकिंग? यार गुड क्वेश्चन. देखो मैं तो रेकमेंड ये करता हूँ कि एक सब्जेक्ट ही करो या मैक्सिमम दो सब्जेक्ट करो एक टाइम पे, क्योंकि आपकी अटेंशन पूरी की पूरी उनमें होती है. वो जो अकेडमी में आपके डिफरेंट लेक्चर चल रहे हो तो उसमें ये होता है कि आप उसमें नोट करते जाओ, वापस आओ तो 15 मिनट लगते हैं सिर्फ लेक्चर रिवाइज कर लो, ताकि आपको वो चीज माइंड में भी रह जाए और आपको वो भूले भी ना. और जब टाइम आए तो आप वो जब निकालो चीजें तो आपको वो फ्रेश हो, फिर उसके बाद आप उस सब्जेक्ट पे काम करना शुरू कर दो. तो एक सब्जेक्ट ही चलाओ एक टाइम पे, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, या 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम. When we study a particular topic from a book or internet, should we use the same language and expression in notes or is it necessary to rephrase it? आप completely your choice. आप लेकिन मैं ये recommend करूँगा कि rephrase कर लो. Rephrase करोगे तो English भी आपकी बेहतर होती जाएगी, लिखना भी आएगा आपको चीजों को और ज्यादा बेहतर हो जाएगा अगर आप rephrase कर लोगे. वही सारी चीज कॉपी पेस्ट कर दोगे तो पेपर में भी कोशिश करोगे कि कॉपी पेस्ट करो, और जब अनलेस कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो फिर आपको लगेगा कि शायद आपने अच्छा नहीं लिखा. तो बेटर टू रीफ्रेज इट. पीएचडी के बाद सीएसएस करना चाहिए, एमफिल के बाद ये व्यूज. आपको जब सही लगे कि आपका सीएसएस हो जाएगा आपको तब कर लेना चाहिए. पीएचडी करोगे तो आपकी एज भी मेरे ख्याल काफी हो चुकी होगी, तो जरा उस कॉन्टेक्स्ट में जरूर इसको देख लेना एक दफा. कैन आई गो आफ्टर बीकॉम? यस आप कर सकते हैं, बीए एक क्राइटेरिया है तो आप कर सकते हो. काइंडली सजेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट. मैंने ना वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात की थी, तो वंस दिस सेशन एंड्स तो आप वो एक दफा जरूर देख लेना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किसी से ना पूछो तो बेहतर है. आप खुद डिसाइड करो आपके लिए क्या बेहतर है. वो क्राइटेरिया मैंने जरूर बता दिया अपनी उसमें अंडरस्टैंडिंग में कि आप ये इस क्राइटेरिया को फॉलो करके आप कर सकते हो. चले बाकी फिर आपके जो क्वेश्चन और क्यूरीज हैं सर. हाउ टू राइट इन ओन, वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू राइट इन ओन वर्डिंग बिकॉज इन पाकिस्तान वी लर्न द एनवायरमेंट ऑफ रट्टा. यार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस करो, शुरू में तो जाहिर है नहीं लिखा जाता, मुझसे भी नहीं लिखा जाता था जब मैंने पहली दफा लिखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा. अपने अल्फाज में लिखना है, आपने रीफ्रेस करना है. और रट्टा कितना लगा लोगे आप, कितना क्रैम कर लोगे, ये दिस इज वास्ट लाइक एन ओशन. तो आप कितना क्रैम करोगे, क्या कुछ याद रख सकोगे, नहीं कर सकते आप. तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने अल्फाज में लिखने के लिए वो जरूरी है कि आप उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जरूर डेवलप करो. जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तब आप उसको अच्छा सा लिख सकोगे. अगर आपको ये नहीं पता कि लिखा क्या हुआ है, अगर आपको ये नहीं पता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आपका क्या उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसका पीछे हिस्ट्री क्या है, यानी हिस्ट्री से मुराद स्टोरी चल रही होती है ना किसी न किसी चीज की, तो वो आप नहीं लिख सकोगे खुद से. तो बेहतर ये है कि पहले आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो और फिर उसके बाद आप उसको
उसमें अपने वर्ड में, आपकी बुक और तो उसको अपने वर्ड में लिखना की कोशिश करो, लेकिन हो जाता है। प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स में चलो ठीक है मार लेते हैं, किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ करके आपने कर लिया क्रैम। इंग्लिश ऐसे तो नहीं ना क्रैम कर सकते, वो तो आप खुद वहीं बैठ के लिखना, तो उसमें क्या करोगे। तो अगर किसी, खुदा ना खास्ता किसी एक सब्जेक्ट में भी आप फेल हो जाओ, तो वो मल्टीप्लाइड में जीरो हो जाता है। सर योर सर्विस ग्रुप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है जी। अच्छा, तो ये कुछ था आपका, आई होप मैक्सिमम चीज़ें आंसर हो गई, और जो रह गई हैं वो आप कमेंट्स में डालते जाना, वो आपको LRN के प्लेटफॉर्म से आंसर्स मिलते जाएंगे, होपफुली उनके अच्छे और बेहतर आंसर्स मिलेंगे बल्कि। और LRN का मेरे ख्याल एक अगला सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, वो विच इज़ फ्रॉम 15th अप्रैल, वो भी आप देख लो। और ये है कि प्रिपेयर वेल, इंशाल्लाह कोई भी और चीज़ हुई तो क्वेश्चंस के अंदर आपके आंसर्स, कमेंट्स के अंदर आपके जो क्वेश्चन हैं उनको कोशिश करेंगे आंसर करने की। ख्याल रखें जी अपना, और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। दोबारा अगर कहीं हुआ, कोई भी क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप पूछ सकते हो, कंप्लीटली फाइन और ओपन है मेरा, मेरा फेसबुक भी, LRN भी, तो आप कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।